हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हमारे पास फोर्ट्रॉन P10 BT स्पीकर, जिसके हम अनबॉक्सिंग आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यह है फोर्ट्रॉन P10 BT स्पीकर। इसके कई सारे फीचर्स हैं, काफ़ी स्मॉल साइज़ में है। यहाँ फीचर्स आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं। बारी बारी से हम सबकी बात करेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस आपको इस ब्लूटूथ स्पीकर में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं इस बॉक्स में हम क्या क्या मिलता है। तो ये कुछ था बॉक्स कंटेंट। तो ये देख लेते हैं, इसके साथ एक चार्जिंग केबल आता है और इसके साथ साथ ऑक्स केबल भी इसी में अटैच है, आप देख सकते हैं। इसके साथ देख सकते हैं मैनुअल इसका मिल जाता है, फोर्ट्रॉन P10 BT स्पीकर। और ये मैनुअल कुछ ऐसा है, इसे आप पढ़ सकते हैं इसकी फंक्शनलिटीज को जानने के लिए। इसे भी साइड में रख लेंगे और आ जाते हैं अपने स्पीकर पे। तो ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये स्पीकर आता है। पूरा मेटल बॉडी है इसका बाहर की तरफ और ये काफ़ी शाइनी है। यहाँ पे भी टेक्सचर, ये डिज़ाइन दी हुई है, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और ऊपर की तरफ आप इसकी ग्रिल देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रिल का यूज भी हुआ है इसमें। सामने की तरफ देखेंगे तो फोर्ट्रॉन की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और बाइक साइड में नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्ट्रॉन P10 ब्रांडिंग यहाँ पर है। और यहाँ पे आउटपुट पावर जो है इसका, वो दिया हुआ है 3 वाट। बात करें इसके डिस्चार्ज करंट की तो 5 वोल्ट 0.5 एम्पीयर है, यानी कि आप इसे नॉर्मल छोटे से चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 400 मिली एम्पीयर की बैटरी कैपेसिटी है, यानी कि आपको जो प्लेबैक टाइम मिलेगा वो लगभग 2.5 घंटे के आसपास मिलेगा। और यहाँ पे दिया भी हुआ है म्यूजिक प्ले टाइम जो है वो ग्रेटर देन 2.5 आवर्स है, यानी कि आप अगर मैक्सिमम वॉल्यूम पे यूज करेंगे तो 2.5 घंटे से 3 घंटे तक का बैकअप मिलने वाला है। तो चलिए बारी बारी से जानेंगे कि इनमें हमें कौन कौन से फीचर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसमें इंटरफेस क्या क्या देखने को मिलेंगे। उससे पहले आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ये रबर की ग्रिप के लिए ग्रिल लगी हुई है। इसे आप मेज पे प्लेस करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से प्लेस हो जाएगा। और बाकी इसके कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको मोड का बटन देखने को मिलेगा। इसमें 4 मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला जो ब्लूटूथ मोड है, यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो आप मेमोरी कार्ड को भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा मोड ये हो जाएगा, और तीसरा FM मोड मिलेगा, और चौथा ऑक्सिलरी केबल का मोड मिल जाएगा, यानी कि आप मोबाइल फ़ोन को ऑक्सिलरी केबल से कनेक्ट करके भी इसमें सॉन्ग्स प्ले कर पाएंगे। उसके अलावा दूसरा बटन यहाँ पे देखेंगे तो ये गान प्रीवियस सॉन्ग्स को लगाने के लिए है, और उसके साथ साथ वॉल्यूम को भी आप डिक्रीज कर पाएंगे इसी बटन से। और ये तीसरा बटन है प्ले पॉज का, इसके साथ ही चौथा बटन है वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए और सॉन्ग्स को नेक्स्ट करने के लिए। तो ये सारी फंक्शनलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये माइक का स्लॉट है और उसके आगे ऑन ऑफ का बटन है। और उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये मेमोरी कार्ड स्लॉट यहाँ पे दिया हुआ है। और उससे आगे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये चार्जिंग का ऑप्शन यहीं पे है, और ऑक्सिलरी केबल जो लगता है वो भी यहीं पे लगता है, यानी कि चार्जिंग और ऑक्सिलरी केबल दोनों एक ही स्लॉट में लगते हैं। और उसके साथ साथ LED इंडिकेटर जो चार्जिंग के टाइम जलता है वो यहीं पर चलेगा। तो ये सारा कुछ इसका इंटरफेस था। तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और इसके सारे मोड कैसे वर्क करते हैं, तो सारे फीचर्स देखेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले इसे पावर ऑन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन दिया हुआ है, इसे सामने की तरफ स्लाइड करेंगे। पावर ऑन, ब्लूटूथ मोड, पेयरिंग। और ये पेयरिंग मोड में आ चुका है, यहाँ पे काफी अच्छी LED ब्लिंक हो रही है। तो चलिए सबसे पहले इसे पेयर कर लेते हैं, और ये पेयर हो चुका है। सबसे पहले ब्लूटूथ से आपको कुछ सॉन्ग सुना के दिखाएंगे, यहाँ पे इसकी साउंड क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। म्यूजिक, म्यूजिक।
तो यहाँ पे आपने इसकी साउंड क्वालिटी सुनी, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है, डिसेंट सा बेस है और साउंड बिल्कुल क्लियर है। बात करें इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग्स को चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे कुछ देर तक प्रेस करके रखेंगे, यानी कि 2 सेकंड तक अगर प्रेस करके रखेंगे तो सॉन्ग चेंज हो जाता है। सेम चीज़ प्रीवियस सॉन्ग में है। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक बार प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। चलिए मोड चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे इस समय अब ब्लूटूथ मोड में है, तो चलिए मोड चेंज करते हैं। FM मोड। तो ये है इसका FM मोड। ऑक्स मोड, ऑक्सिलरी मोड मिल जाएगा, और उसके अलावा ब्लूटूथ मोड, जब आप गजब बेइज्जती है। इसके अलावा जब आप इसमें SD कार्ड यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये चौथा मोड जो आपको SD कार्ड मोड मिलेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे इसके फीचर्स थे और बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी सबसे अच्छी लगी। सारा कुछ मेटल का यूज हुआ है यहाँ पे। तो आपको ये स्पीकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आता है और परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।